दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट कम्प्लीटनेस सेवन सीरीज का जो एक प्रिंसिपल कम्प्लीटनेस है उसके बारे में हम देखते हैं डिटेल के साथ कि ये क्या चीज़ है। तो कम्प्लीटनेस का मतलब है फुलनेस, एक्सटेंसिवनेस, कम्प्रिहेंसिवनेस एंड इंक्लूसिवनेस। यानी फुल बात जो कम्प्लीट बात जब हम करते हैं अपना मैसेज जो हमने कन्वे करना है बिल्कुल कम्प्लीट हो, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो रह गई हो या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो रीडर के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हो। यानी हर वे में तमाम रिस्पेक्ट से बिल्कुल कम्प्लीट बात की जाए। अगर तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम टीचर्स जो बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन जो वो अगली बात कर रहे होते हैं उससे वो हमारा क्वेश्चन जो पहले क्रिएट हुआ होता है वो क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह की बात होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन जो है रीडर के माइंड में ना रह जाए, रिसीवर के माइंड में ना रहे, और जो रिसीवर जानना चाहता है, जो उसकी नीड है, उसके डिज़ायर को देखते हुए उससे बात की जाए। उसके अलावा उसकी कन्फ्यूजन ख़त्म की जाए और इंक्वायरीज़ वगैरह इनके इनकी अवॉइड किया जाए। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हम कम्प्लीटनेस ये जो है प्रिंसिपल है इसको हम गेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि हम तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसे दे दें, जितनी भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन हमें उसे देनी चाहिए वो उसे हम दें। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन जो है मतलब एक्स्ट्रा है तो वो भी उसे दें जो कि उसे ज़रूरत हो, उसकी तमाम कन्फ्यूजन जो है उसके थ्रू क्लियर हो जाए। उसके क्वेश्चन जो वो मतलब पूछना चाह रहा है तो वो भी मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो, यानी जाहिर है टीचर जब बता रहा होता है तो उसे पता होता है कि स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे, यानी ये एक्सपेक्टेशन है इस क्वेश्चन के पूछने की, तो वो पूछने का मौका ही ना दें बल्कि पहले ही उस बात को क्लियर कर दें। उसके बाद गिव समथिंग एक्स्ट्रा वन डिज़ायरेबल, यानी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दें उन्हें अगर ज़रूरत हो तो, मतलब अपने जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है उसको ऑल रिस्पेक्ट से क्लियर बात करें। एग्जाम्पल हम इसे देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इन्फॉर्म इन रिटर्न अबाउट योर रिटर्न। यानी हाँ, आपने जब वापस आना होगा तो हमें बता दीजिएगा अपने वापस आने का डिटेल। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि कहाँ हमने जाना था, कहाँ से वापस आना था, कब बताना था, तो ये सारी बातें क्लियर नहीं हुई। तो इस तरह ये जो है रीडर के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को दूर करने के लिए हमने जो कंप्लीट सेंटेंस बोलना है वो ये है कि प्लीज़ फैक्स मी इन रिटर्न अबाउट योर डिपार्चर विद डेट, टाइम, रूट एंड एयरलाइन कंपनी फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। यहाँ पे हर बात जो है क्लियर की गई है, हर क्वेश्चन जो है वो क्लियर किया गया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को क्लियर किया गया है, बिल्कुल कंप्लीट एक्यूरेट बात बताई गई है। तो ये कम्प्लीटनेस का कंसेप्ट था उसकी एग्जांपल्स के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।